आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है, क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है जहाँ कोई जीव रहते हैं। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं, लेकिन किसी अज्ञात उड़न तस्तरी देखने का दावा तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हों और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कई ऐसे निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस समय में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नेजका लाइंस की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। आपको ये भी जानना चाहिए कि एलियंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कोई भी जीव जो धरती के बाहर के किसी भी ग्रह का हो उसे हम एलियन कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्मों में डूबी आजकल की दुनिया में लोग जब एलियन बर्ड को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि वो इंसान की तरह दिखने वाला एक प्राणी है जिसके दो हाथ और दो पैर हैं। लेकिन हम थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचें और बात करें तो एलियन का असली मीनिंग होता है कि लाइफ इन एन अदर वर्ल्ड, यानी दूसरे ग्रह में जिंदगी। और जब लाइफ की बात आती है तो वो किसी भी तरह से हो सकती है, चूहे की तरह, हाथी की तरह या फिर ऊंट की तरह। यानी कि अगर किसी दूसरे ग्रह पर एक चूहा भी पाया जाता है तो वो एक एलियन है, क्योंकि वो लाइफ इन एन अदर वर्ल्ड है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि एलियन एक विलेन जैसा क्रिएचर है जो धरती और धरती पर रह रहे इंसानों को खत्म कर देगा। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियंस के होने न होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियंस यानी परलोकी जीवों का वास था। history.com के मुताबिक ये सोच मानती है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं अच्छी समझ है। वो ये भी कहते हैं कि एलियंस के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले के आकार में दिखने वाले इन विमान के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने UFO को देखा। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा कद, अजीबोगरीब आवाज और रहस्यमयी शक्तियां आदि। इंग्लैंड के बिल्सर में चट्टानों जैसे कई बड़े और चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य बनकर ही रह गया है। आखिर इसे क्यों बनाया गया था? आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि ये पत्थर इतने विशालकाय हैं कि लगता ही नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। सदियों पहले वहाँ से मानवों के कंकाल और टूटी हड्डियों का मिलना इस बात को दर्शाता है कि ये कोई ऐसी जगह रही होगी जिसमें लोगों की बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति रही होगी। नेजका लाइंस का रहस्य। क्या आपने कभी नेजका लाइंस के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नेजका रेगिस्तान में कई ऐसे डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया है। ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार की, जिनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये इतने सटीक मानो कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। आपको यहाँ बता दें कि नेजका में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक के लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। यहाँ तक कि कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खंभों पर भी कई तरह के उड़न तस्तरी बने हुए हैं। इनमें से कुछ अंडाकार हैं तो कुछ चपटे हुए। साफ दिखता है कि उन्हें ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं। beforeitnews.com के मुताबिक साल 2012 में अफगानिस्तान के एक गुफा में 5000 साल पुराने एक विमान मिलने की बात सामने आई थी। खबरों के अनुसार उसका राज ढूंढने और निकाल कर बाहर करने के लिए भेजे गए दल में अमेरिका के 8 लोग भी शामिल थे, लेकिन वो फिर कभी बाहर नहीं निकल सके। ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियां। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप, या यूं कहें कि ईस्टर द्वीप का मायद्वीप, सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में
में समझना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर इतने बड़े नहीं होते और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा है कि इसे बनाना मुमकिन नहीं है। प्यूमा पंकु भी एक सवाल। साउथ अमेरिका के बोलीविया के पास प्यूमा पंकु नाम की एक जगह है पर कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमय और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर पत्थरों को अंग्रेजी के एच और यू शेप में डिजाइन किया गया है। इसका हर पत्थर को बहुत करीने से काटा गया है। लगता है कि जैसे हर डिजाइन और कट का कोई न कोई महत्व होता होगा। हर एक पत्थर 800 टन का है। वैसे वैज्ञानिकों का भी अनुमान है कि ये कोई पूजा स्थल रहा होगा और इसके चारों ओर 4 लाख जैसी कोई आबादी बस्ती होगी। क्रॉप सर्किल के बारे में, क्या आपको पता है कि अमेरिका और दुनिया भर में कई जगहों पर फसल से भरे खेतों के बीच अजीबोगरीब डिजाइन मिलते हैं, कभी गोल तो कभी कोई और ज्यामितीय आकृति। उलझा देने वाले इस पैटर्न को क्रॉप सर्किल का नाम दिया गया है। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्हें वहां फसलों की जगह खेत में ऐसे पैटर्न मिले हैं जो वहाँ रातों रात कैसे बने उन्हें पता नहीं। मसलन इसी साल जनवरी महीने में कैलिफोर्निया में पाए गए एक क्रॉप सर्किल ने बड़ी सुर्खियां बटोरी। चर्चा थी चौलर नाम की जगह। एलियंस ने कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी उस वक्त पृथ्वी पर भारी संख्या में एलियंस उतरे हैं। ये दावा किया है विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने। नासा ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में काफी ज्यादा संख्या में यूएफओ को उतरते देखा गया है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक महामारी के दौरान पिछले साल 2019 की तुलना में 1000 से ज्यादा यूएफओ को उतरते देखा गया है। इनकी संख्या 7200 के करीब है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों में रह रहे थे या फिर अपने घरों को छोड़कर खाली जगहों पर चले गए थे। ऐसे में यूएफओ के धरती पर उतरने की ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो भी यूएफओ धरती पर उतर रहे हैं उनकी तस्वीर तो रिकॉर्ड की जा रही है लेकिन उससे ज्यादा उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। पिछले साल जब महामारी के दौरान काफी संख्या में यूएफओ अमेरिका में उतरने लगे तब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ऑफिस पेंटागन ने अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स यानी यूएपी का गठन करने का फैसला किया था ताकि आकाश से धरती पर उतरने वाले इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाया जा सके। इस फोर्स का मकसद यूएफओ की पहचान करना, उस पर रिसर्च करना और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना था।